नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के अधीन आते गांव चंडियाला मंचकी में एक पेट्रोल पंप पर लूट कर फरार हुए लुटेरों की मोटरसाइकिल पंप मालिक की गाड़ी से टकराई, एक की मौत एक फरार। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने दिवाली की रात किला मोहल्ला में हुई फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को किया काबू, अदालत में पेश कर हासिल किया रिमांड। बठिंडा के गांव कोठा गुरुका के खेतों में पाकिस्तान से संबंधित मिला बैनर, पुलिस ने लिया कब्जे में। और अब हलचल विस्तार से। लुटेरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन लुटेरे दिन दिहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, जिसका ताजा मामला थाना सदर जालंधर के गांव जंडियाला मंजकी में सामने आया है, जहां पर बालाजी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर एक मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर पंप मालिक से 16,000 रुपए की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों के मोटरसाइकिल की टक्कर पेट्रोल पंप मालिक की इनोवा गाड़ी के साथ हो गई, जिस कारण दोनों लुटेरे घायल हो गए और उनका मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एक लुटेरा पिस्तौल और नकदी लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरे घायल लुटेरे को सिविल अस्पताल बुढ़लाडा में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP जालंधर कैंट बबनदीप सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक ने बहादुरी दिखाई, जिस कारण एक लुटेरा काबू में आ गया, जबकि दूसरा लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि एक लुटेरे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इंटीमेशन मिली सी कि दो बाइक सवार ने अज एक खो की वारदात को अंजाम दिता है बालाजी पे फिलिंग स्टेशन के उत्ते, जिथे कि तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO सदर ते DCP इन्वेस्टिगेशन साहब कमिश्नर मानयोग कमिश्नर साहब ते ACP कैंट मैं असी मौके पर पहुंचे हैं ते असी तफ्तीश अमल में लिया गई है, जिस दे विच कि जिहड़ा एक मुंडा है जो कि जख्मी होया है जिन्हों की सिविल हस्पताल भेजा गया है, तो जिहड़ा दूसरा लड़का है जिहदे कोल वैपन सी वह वैपन दे नूं दिखांदा होया फरार हो गया जी। इन्हां दी हजे तक शनाख्त नहीं हुई है। जिहड़ा लड़का इंजर्ड है उन्हूं असी शनाख्त करन दी कोशिश करांगे, तो जिहड़ा वैपन दिखा के चला गया है उहदी भाल साडी जा रही है। अलग अलग टीमां बनाईआं गईआं ने ते उन्हां नूं अपने अलग अलग डायरेक्शनस दे विच मूव ऑन करवाया गया तां जो उन्हूं एप्रीहेंड किया जा सके। इन्हां दे विचों जिहड़ा लड़का इंजर्ड होया उहदे कोल एक मोबाइल सीगा, जिस तों कि उन्हूं ट्रेस करन दी कोशिश की जा रही है जी। हाँ जी, हजे तक कोई इंटीमेशन नहीं आई है। ही हैज़ बीन रश्ड टू द सिविल हॉस्पिटल, लैट्स होप सो कि ही इज़ फाइन। जदों खो हुई सी इतने पंप के करिंदे, इस तो इलावा हर्ष जो कि इन्हों के मालकों का पोता है वो इतने मौजूद सेगा, जिस तो खो की गई है। गत दिनों दिवाली वाले दिन किला मोहल्ला में कांग्रेसी नेता के खास माने जाने वाले एक व्यक्ति शिवम चौहान उर्फ तोता की ओर से आप नेता सुभाष महाजन पर हमला किया गया था। इस घटना की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। वहीं थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP सेंट्रल दमनवीर सिंह ने बताया कि थाना डिवीजन नंबर 3 के ASI सतपाल सिंह की पुलिस पार्टी ने दिवाली की रात किला मोहल्ला में लड़ाई झगड़े के दौरान चली गोलियों के तहत मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को काबू कर लिया है, जिनकी पहचान शिवम चौहान उर्फ तोता निवासी ढन मोहल्ला जालंधर, संजीव कुमार उर्फ सोनू निवासी बाग करम बख्श जालंधर और नरेंद्र निवासी पुरानी दिल्ली के तौर पर हुई है। दोषियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके और इस मामले में बाकी दोषियों की गिरफ्तारी भी की जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। FIR नंबर 123 है जी, साड़ी थाना नंबर 3 दी ते 307 307-148-149-303 लड़ाई झगड़ा प्लस आर्म्स एक्ट जोड़ा है वह मुकदमा दर्ज होया। दिवाली की रात एक लड़ाई हुई सी, आपस बैठे थे दोषी के मरीज, तो बहसबाजी हो गई जिदे करके चीज़ा बारे नहीं गई कि इन्होंने उसे फायरिंग भी की है, तो बाकी व्हीकल्स की भनतोड़ भी की है। दोषी फिर वो वारदात करने तो बाद पंजाब तो बाहर जोड़े से चले गए थे, वो पिछले साड़ी टीम लगे हुई सी, तो साढ़े इंस्पैक्टर साहब ने बाकी टीम ने जी इंडिविजुअल टीम बनाई से बहुत मेहनत करके दोषियों कोर्ट कंपलैक्स जेडे दिल्ली के गिरफ्तार किया। उन्होंने तरीक की शाम अज माननयोग अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने दो दोषियों की पुलिस कमांड सामने दी। सर, लड़ाई का कारण किस लगा?
लड़ाई का कारण यही जी अपने ढंग से दिवाली सैलीब्रेट कर रहे थे जिते वो दोषी के मदईते बहस उपसाई हो गई वो बहसबाजी बाजी इन्नी हो गई कि जोड़ा दोषी धिर है इन्हें फोन करके होर मुंडे उत्ते सद ले मौके पर तो मौके पर सद के इन्होंने उत्तर भंग तोड़ भी की फायरिंग भी की। बठिंडा के गाँव कोठा गुरुका के खेतों में पाकिस्तान से संबंधित एक बैनर मिला है। इस बैनर को गुब्बारों के साथ बांधकर रिलीज किया गया है। वहीं सूचना मिलते ही थाना दयालपुर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उक्त बैनर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब रहे कि पिछले दिनों पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली हुई थी। ये बैनर उक्त रैली से संबंधित बताया जा रहा है। इस मौके पर SHO हरनेक सिंह ने बताया कि ये मामला गंभीर नहीं है क्योंकि उक्त बैनर इमरान खान की पार्टी का है। रैली के दौरान इमरान खान के प्रशंसकों ने इस बैनर को गुब्बारों के साथ बांधकर छोड़ दिया होगा और हवा के रुख के साथ गुब्बारा भारत में आ गया, जिस पर ओस गिरने के कारण ये बैनर गांव कोठा गुरका के खेतों में जा गिरा। उन्होंने कहा कि ये घटना इसलिए घटित हुई क्योंकि हवा का रुख भारत की तरफ था। उनके मुताबिक बैनर पर कुछ भी भारत विरोधी नहीं लिखा गया। बैनर पर इमरान खान की पार्टी का प्रचार किया गया है। फिलहाल उन्होंने बैनर को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जालंधर छावनी के अधीन आते दीप नगर निवासी आवारा पशुओं के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाका निवासियों ने बताया कि आसपास के इलाके के लोग अपने बीमार तथा लाचार पशुओं को यहाँ पर छोड़ जाते हैं और यहाँ पर पास ही में नाला होने के कारण उक्त पशु इस नाले में गिर जाते हैं, जिनकी हालत काफी दयनीय हो जाती है। ऐसे ही एक भैंस को इलाका निवासियों की ओर से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाले में से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंचे समाज सेवी अजय कुमार पीवल ने बताया कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंच गए और इलाका निवासियों के सहयोग से भैंस को नाले से बाहर निकाला। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि आवारा पशुओं की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि इलाका निवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर प्रदीप कुमार, किरण कुमार राखी, सुमन, विनोद कुमार और वीना भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की। मैं जी प्रधान दीप नगर तो जी मैं लोगों अगे एक अपील करन जाऊंगा, जो गां मरण के कगार से होंगी है साढ़े दीप नगर एरिए छड़ जाते हैं, प्रशासन ने एक ही मांग है कि थोड़े सख्त कदम उठा के इस समस्या को हल किया जाए। तो इतने भाजी रात को ना मझा गावं छड़ जाते लोग, इतने हर 8-10 दिन बाद एक अद्धी गां इतें पई होंगी, ठीक है। तो इतने इंजर्ड गावं छड़ जाते हैं जिन्हों का कोई है नहीं देखने देखने, गावं नाले में डिग जाए, आ नाला नाल ही है तो इतने कड़िया होनी भाई होनी ने भी रल के नाल, तो डिग जा इंजर्ड हो जाए, नाले चो स्मैल भी बड़ी आती, इस करके तंग हो पे बहुत ज़्यादा लोग छड़ जाते। एक जोत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शहीद भगत सिंह कॉलोनी में 31वीं माता की विशाल चौकी बड़ी श्रद्धा भाव से करवाई गई। इससे पहले सोसाइटी के समस्त सदस्यों से पंडित कन्हैया लाल ने पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश स्थित मां ज्वाला धाम से लाई गई मां की पावन ज्योति को दर्शन स्थल पर जाकर स्थापित करवाया, जहां मां भक्तों ने आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की कामना की। माता की चौकी में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, विधायक बाबा हेनरी, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी, आप नेता दिनेश ढल, अमित ढल, बॉबी ढल, आप नेता राजकुमार शर्मा, कांग्रेसी नेत्री गुरमीत कौर, हरीश चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर माँ की पावन ज्योति का आशीर्वाद प्राप्त किया और सोसाइटी को इस धार्मिक कार्यों के लिए बधाई दी। इससे पहले माता की चौकी की शुरुआत गायक नवीन चंचल एंड पार्टी कुरुक्षेत्र वालों ने मां सरस्वती वंदना को गाकर की। उन्होंने माता की भेंटों को गाकर देर रात तक मां भक्तों को झूमने पर और नाचने पर विवश किया। इस अवसर पर पंडित कन्हैया लाल प्रधान, सुदेश शर्मा, राजेश कुमार, RK रमेश कुमार, विनोद वधवा, जयंत भार्गव, संदीप गुप्ता, अमित शर्मा, सचिन चोपड़ा, रजत दुग्गल, ललित गुप्ता, सुभाष दीवान, मनहर पशान, रजत, जतेंद्र गुप्ता, वरुण गुप्ता, असीम मिश्रा सहित सोसाइटी के सदस्यों ने आए हुए मां भक्तों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। माता की चौकी में मंच का संचालन असीम मिश्रा की तरफ से किया गया। माता की चौकी में आने वाले भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच वितरित किया गया। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
खुश हूँ कि मेरे हिस्से में उनकी सेवा लिखी गई और इधर से इनके चरणों में। तो आओ, माँ भक्ति का दरबार सजा है, आओ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी 2 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को, सुंदर हाथों को तकलीफ दे दीजिए ऐसे, और दोनों हाथों को करके सभी इधर वाले भी आओ जरा मीठी मीठी ताली जाके कहते हैं क्या, आओ माता जी तोटा मंदिर सजाया है। प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बहरिया पुरानी कपूरथला रोड में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज के अध्यक्षता में 4 दिवसीय 50वां विराट वेदांत सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के चौथे एवं अंतिम दिन की शुरुआत करते हुए महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने उपस्थित संगत पर प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि जो इंसान अपना आचार व्यवहार सही रखता है उसकी सफलता निश्चित है। स्वामी सत्य वृतानंद गिरी जी हुशियारपुर वाले, स्वामी गणपति गिरी राहू वाले, महंत पुरुषोत्तम गिरी महाराज कपूरथला वाले, स्वामी कृष्ण गिरी, स्वामी राधागिरी, रामेश्वरानंद गिरी महाराज, बालज्योति गिरी, वासुदेवानंद गिरी, महंत हनुमान गिरी, महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज, महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महाराज, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी गिरिधर गिरी जी महाराज, स्वामी विश्व भारती लुधियाना वाले, महामंडलेश्वर स्वामी विद्या गिरी जी महाराज दिल्ली वालों ने भी अपने अमृत वचनों से भक्तों को निहाल किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, ऑस्ट्रेलिया निवासी NRI प्रमोद मेहंदीरत्ता के भाई, समाज सेवक रविंद्र कुमार मेहंदीरत्ता, राजेंद्र मंगी, पार्षद गुरविंदर बंटी व पार्षद पति मोहिंदर सिंह गुल्लू ने विशेष रूप से शामिल होकर संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सम्मेलन के अंत में आए हुए संत महापुरुषों को परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने सम्मानित किया। अंत में भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। पढ़े छो शास्त्र यथारहो पुराण देखा, वेद को भी आदि से अंत तक छाना है, तीर्थ व्रत तप दान योग ध्यान ज्ञान स्नान संध्या वंदन तर्पण का भाव सब जाना, पढ़े शिल्प विद्या वो ज्योतिष को भात धात रमन का भेद भली भांति पहचाना है, वैद्य के न्यारे न्यारे ज्ञान हरे के अंग नाड़ी पहचानना वो नस्तर को लगाना है। आपको दर्शन दे रहे हैं ये शहर में नहीं मिलते हैं, किसी के डेरे में भी जाओ वहां भी शहर मिलेगा। Yeah.
से 50वां सम्मेलन जिसको स्वर्ण जयंती के रूप में भी कहते हैं, ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति, शीतल बेन जी एवं द्वाबा मंडल के सभी महंत महाराज महामंडलेश्वर गंगादास जी महाराज अनेक संतों के सानिध्या में ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ पूर्ण हुआ है निर्विघ्न। ये उन्हीं गुरु महाराज की कृपा है जिसके दौलत हम ये इस प्रकार का प्रचार प्रसार दे रहे हैं ताकि आज के इस युग में इसकी अति आवश्यकता तो है। यदि सामने वाला इसको लेना ना चाहे तो वहाँ ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते, संत भी कुछ नहीं कर सकते। अपने में जिज्ञासा ना हो, अपने पर अपनी कृपा ना हो तो अपना उद्धार हम नहीं कर सकते। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान पवन मल्होत्रा और रजनी मल्होत्रा ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य पंडित जय प्रसाद शास्त्री ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और गायक रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्या, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, ऋषु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़े हमारे लिए, देश के लिए, हमारे हम सभी के लिए अभिमान का विषय है, गर्व का विषय है कि हमारे बीच में से पैदा हुए हमारे आर्य भारत, हमारे भारतीय जिन्होंने इस संस्कृति ग्रहण की है वो ऋषि सुनक जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 300 वर्ष तक राज किया, आज एक हिंदू ने वहां जाकर उन गोरों के ऊपर राज किया और अपनी पहचान बनाई, अपनी योग्यता के कारण पहचान बनाई, कोई द्वंद्व युद्ध करके नहीं बनाई, अपनी योग्यता के कारण पहचान बनाई। इस वेदी पर पिछले 40 साल से लगातार वेद पत्रों का बुझाइमान हो रहा है, ऐसी पवित्र यात्रा पर प्रकट करके इस पवित्र यज्ञ को करना पवित्र और वेद मंत्रों के द्वारा मूर्तियां प्रदान की, ये धर्म की भावनाओं को लेकर इसने यज्ञ किया। मेरा ही प्रभु तेरा ही तेरा है, इनके अंदर श्रद्धा, ये यज्ञ परिवार, ये हमेशा ही परमात्मा के साथ जुड़ा रहने वाला परिवार, ऐसे परिवार पर पिता परमात्मा आपके पुत्र पुत्री यहाँ पर बैठ कर यज्ञ किया है। हम सभी ने मिलकर इनके साथ आज के इस विशेष आयोजन का
कार्यक्रम करते हुए इस महान देश को समर्पण किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पवित्र पावन यज्ञ पर को हवन पुर पर आकर यज्ञ हत्या प्रदान की। पंजाब को गुरुओं और पीरों की धरती से जाना जाता है। पंजाब में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर अलग अलग गुरुओं ने अपने चरण डाले, जिसके तहत नाभा ब्लॉक के गांव थूही में वर्ष 1722 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यहां पर अपने चरण डाले और रहराज साहिब के समय कथा कीर्तन सुनाकर संगतों को निहाल किया और अगले दिन संगतों सहित गाँव रामगढ़ की तरफ चले गए, जिसकी खुशी में गांववासियों की ओर से विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। इस नगर कीर्तन में दूर दूर से आई हुई संगतों ने भाग लिया। इस मौके पर गांववासियों ने कहा कि वे बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस गांव में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने चरण डाले थे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, सत धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है दे महावाक अनुसार। धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपा की है, नगर थूही नू अपने मुबारक चरण पा के 13 कतक 1722 बिक्रमी से मुबारक चरण पा के धरती ने पवित्र किया है। इस वक्त सतगुरु महाराज स्थान पर आए श्री आनंदपुर साहब जी के पवित्र स्थान पर चल के पूर्व यात्रा महाराज ने जो की है, उस वक्त दुखमान साहब तो होंगे हुए अनेक पिंड शहर कस्बे में भाग लाते हुए इस नगर थूही के सतगुरु महाराज ने मुबारक चरण पा के इस नगर में पवित्र किया है। बहुत ही बड़े भाग ने जी अज के दिन साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर उन्होंने पावन चरण साढ़े नगर में पे जिड़े जिन्हों असी हर साल श्रद्धा के उत्साह मनाने अज सारे नगर के नगर कीर्तन शाम को संतों के जथेदार बाबा कश्मीरा सिंह जी के दीवान भी ने कल सवेरे भोग उदों भी दीवान ने उन्होंने जथेदार साहब के तो असी अपने आप को बहुत ही बड़े भागा समझते हैं कि गुरु साहब ने साढ़े इस नगर के उत्ते अपार कृपा की। कपूरथला रोड स्थित जालंधर विहार कॉलोनी में मां बंगलामुखी जी के निर्माणाधीन मंदिर परिसर में श्री बंगलामुखी धाम समिति द्वारा मासिक हवन यज्ञ करवाया गया। हर बार की तरह इस बार भी हवन यज्ञ के दौरान पूरा जालंधर विहार जय मां बंगलामुखी के जय घोषों से गूंज उठा। हवन कुंड से उठती ज्वाला को देख मां बंगलामुखी जी के भक्त रोमांचित हो गए और पूरा वातावरण मां पीताम्बरा के रंग में रंग गया। नवग्रह श्री गौरी गणेश तथा कुंभ पूजा के साथ हवन यज्ञ 10 बजे शुरू हुआ और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 12 बजे के बाद तक चला। हवन यज्ञ में समिति के संस्थापक सीसी महेंद्रू ने कहा कि मां बंगलामुखी के भव्य मंदिर के निर्माण में यथाशक्ति सहयोग करें। इस अवसर पर गुरु मां जीनत भूमिका एडवोकेट मानव महेंद्रू, रजनीश चौधरी, सतेंद्र गांधी, मास्टर परसराम, लव बराड़, रविपाल जट, ओम प्रकाश, कमल चावला, ज्योति वर्मा, प्रदीप ठाकुर, कुलदीप मरवाहा, मनीष कवात्रा, मनी मदान, अनिल शारदा, एडवोकेट विवेक शर्मा, बंटी चड्डा, अभिषेक बहल, सचिन शर्मा, दीपक चौहान, जय लूथर, महेश रहेजा, सीए गौरव चौधरी, गुलशन कक्कड़, राजीव कक्कड़, राजीव बांसल, सनी महेंद्रू, कुंदन ठाकुर, अशोक टंडन, सौरभ बब्बर, संदीप गुप्ता, संजय हरजाई, राजेंद्र मोगला, मनीष और नवीन चोपड़ा उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। शिरोमणि भक्त नामदेव जी का 752वां प्रकाश उत्सव संत नामदेव क्षत्रिय टांग सभा जालंधर की ओर से संत नामदेव भवन मॉडल हाउस में बड़ी श्रद्धाभाव से मनाया गया, जिसमें विधायक शीतल अंगुराल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया गया। इसके पश्चात संत नामदेव को एजुकेशन कॉलेज जालंधर की छात्राओं और भाई लाल सिंह ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित संगत का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर सभा के मुख्य सरपरस्त बलवंत कैंत,
सरप्रस्त गुरुबचन सिंह रखड़ा, सरप्रस्त मेजर दलजीत सिंह ऋषि, सीएल लक्की, प्रधान मनोहर लाल, वरिष्ठ उप प्रधान आरपी गांधी, वरिष्ठ उप प्रधान अजय कुमार कौशल, उप प्रधान जसबीर सिंह, जनरल सचिव दलजीत सिंह रतन, सचिव सरवन सिंह, जॉइंट सचिव गुरप्रीत सागर, कोषाध्यक्ष हरीश चित्रा, पीआरओ दीपक कौशल, मुख्य सलाहकार कुलदीप सिंह बेदी सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। आज असी संत नामदेव महाराज का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं मॉडल हाउस में, जिथे बहुत बड़ी तादाद में संगत आई हुई है संगत, और बड़ा अज बहुत खुशियां भरा दिन है। बड़े विद्वाना ने अपने परचे पढ़े हैं, तो ये महान संत होए हैं कि जिन्हों 72 बार परमात्मा के दर्शन होए, और उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब के विच उन्होंने कहा गया है कि नामे नारायण ना ही भेद, नाम दे विच और परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं,